यूपी में बलरामपुर में दिनेश कुमार पुत्र राम प्रसाद निवासी बरदौलिया भरसैया थाना हरिया ने गुरुवार थाने पर लिखी तहरीर देते हुए बताया कि मैं एसएसबी का जवान हूँ जो असम में कार्यरत हूँ। मैं छठी पर्व पर छुट्टी लेकर आया था। घर पर पहुंचने के बाद उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी में बदलाव नजर आए। दूसरे दिन रात में पत्नी ने एसएसपी जवान दिनेश कुमार को खाने में जहर दिया। शक के आधार पर दिनेश ने खाना नहीं खाया, बाहर फेंक दिया। बुधवार सुबह ड्यूटी पर जाने लगे तो सरकारी कागजात व सामान नहीं दिया। घर के अंदर तीन बच्चों के साथ शटर को बंद कर लिया। घंटों तक शटर नहीं खोलने पर दिनेश कुमार ने पीआरवी डायल 112 पुलिस को सूचित कर जानकारी दी। पुलिस ने अथक प्रयास के बाद खाली हाथ वापस लौट आई। थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद मौके पर जाकर मामले को शांत करा दिया गया। आपका शुभ नाम क्या हो? मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है, मैं जॉब करता हूँ और ये मैं आज ड्यूटी ज्वाइनिंग करने जा रहे थे। ये मेरा बेडिंग और सामान नहीं दे रही है, काफ़ी समय से मेरा विवाद चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है और ये मेरे को जहर दे रही थी खाने के लिए। कौन है जो जहर दे? मेरी वाइफ है। किस माध्यम से आपको जहर दे रही थी? ये खिचड़ी बना के रखी थी, खिचड़ी में डाली, रात के टाइम था, अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए इसने डालने की कोशिश की, खिलानी थी माँ बेटी ने इसमें। कैसे आपको पता चला? मैं जब थाली उठा के पीने शुरू किया तो थोड़ा मुंह के पास गया और नाक के दोनों साथ में होते हैं तो सेंट आया। मैंने उससे पूछा गया कि क्या है, तो उसने बताया घी है। तो मैं बताया कि घी नहीं है, इसको दिखाओ मेरे को। जैसे मोबाइल निकाला तो मोबाइल मेरा छीना गया, मोबाइल छीन के और माँ बेटी ने मेरे पिलाने की ज़बरदस्ती कोशिश किया गया। उसके बाद में मैं वहाँ से भागा, भाई के पास गया, बताया सारी बात। थाने 112 पर डायल किया गया, 112 आया, सारे से बोला थाने पर आ जाओ। उसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई हमारी, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं कि हमारी ये जान का प्यारा नहीं है, हमारी वाइफ है तो हमको जान नहीं है, मेरा प्यारा नहीं है तो मेरे लायक नहीं है वो। इस संबंध में आपने थाने पे कोई एप्लीकेशन दिया? मैं एप्लीकेशन FIR दर्ज 11 बजे रात की कर चुका हूँ। कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। अयोध्या के फतेहगंज स्थित खीर वाली गली मोहल्ले में पटेल क्लिनिक के प्रबंधक डॉक्टर आशुतोष कुमार चौधरी के नेतृत्व में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब असहाय लोगों को उनकी बीमारी के इलाज के लिए निशुल्क चिकित्सा सेवा व दवाई दी गई। इस कैंप में लगभग 300 से ऊपर लोगों को देखकर दवाई दी गई। ये समाज सेवा निःशुल्क कैंप लगभग 15 दिन से अनवरत पटेल क्लिनिक बछड़ा सुल्तानपुर द्वारा चल रहा है और हर मोहल्ले में कैंप लगाकर गरीब असहाय लोगों का इलाज हो सके, इसीलिए कैंप लगाया जा रहा है और उनको देखकर दवाइयां दी जा रही हैं। यह कैंप अभी 1 सप्ताह और चलेगा। इसका मेन उद्देश्य गरीबी के कारण जो लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवा दी जाए। जो गरीब लड़के असहाय हैं जिनके, उन लोगों के यहाँ दवा भी फ्री है अपने क्लिनिक पे, जिनके कोई नहीं है उन्हीं लोगों की सेवा के लिए है। यहाँ जैसे 10 से 15 लोगों का कम से कम मान के चलिए कि IDP दवाएं भी निःशुल्क है, 15 लोग सुबह 15 लोग शाम। और कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई मजार है, वहाँ की सेवा करना वो सब भी है। भाई पूर्वज जी तो हैं। आज कितने लोग कैंप में आए हैं? और इस समय तो लगभग कैंप में बच्चों की संख्या 300 की स्टैंड थी, लगभग उसमें से 100 के वो पहुँच गए हैं। जो लोग अपना चिकित्सा कर रहे हैं उनके टीचर हैं, गुरु हैं। यतीम खाना में बाहरी जो लड़के पढ़ते हैं लगभग 40 से 50 की संख्या में हैं, वो लोग भी हैं। अभी उनको जैसे यतीम बच्चों को केला समोसा ये सब भी वितरित किया जाएगा। सब आप अभी हम लोग वहाँ पर गए थे, वहाँ पर भाई श्रद्धा है हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए, एकता का प्रतीक है। फैजाबाद की आधी, मतलब आधा फैजाबाद इन्हीं पे है,
टिका हुआ है, इनकी एक बदुआ भी है, ना कोई आलिम ना कोई जालिम रहेगा का जवाब है, ना कोई अभी तक बन भी पाया है, जितने बने हैं एकदम पीक पे नहीं पहुँचे हैं, नंबर दो नंबर एक, इनकी ये मान्यता बड़ी हुआ की बहुत प्रसिद्ध मान्यता है। इनमें जो कोई संस्था है आपका, कैसे इसको ये यही क्लिनिक में आप ही जो क्लिनिक में पेशेंट आते हैं उन्हीं के पैसे में है, कोई संस्था नहीं है इसमें। हाँ, क्लिनिक से सेवा भाव से ये है। मणिवीर बाबा का एक मस्जिद, मणिवीर बाबा का एक मंदिर है, ब्रह्म बाबा का है यहाँ पर नाका पे, इन लोगों का भी टाइल्स लगवाना या कोई और व्यवस्था साफ सफाई के लिए वहाँ कर्मचारियों को नियुक्त करना है, सब भी अपने लोग सब इसी में हो जाए भाई, इन्हीं लोगों की देन था। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। 3 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर आ सकते हैं। सीएम के दौरे की सुख बुगाहट मिलने के साथ ही प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सीएम का बिजनौर द्वारा संभावित है, हालांकि अभी शासन से सीएम के आने का कोई कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। डीएम, एसएसपी, अन्य अधिकारियों ने आज नवनिर्मित पुलिस लाइन व त्वाहेड़ी में बन रहे मेडिकल कॉलेज और नवनिर्मित कलेक्ट्रेट के बिल्डिंग का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिजनौर में 3 सितंबर को संभावित दौरा लगा हुआ है। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस प्रशासन ने तेजी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। संभावना है कि मुख्यमंत्री अफजलगढ़ या फिर बिजनौर आ सकते हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट स्थित नई बिल्डिंग का लोकार्पण भी कर सकते हैं। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं, नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता, रेलवे लाइन के किनारे निकट दालमील, पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। फरुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम नगला सेठ निवासी सुभाष पुत्र रामचरण के गांव में रोशन लाल पुत्र राजपाल की पुत्री उम्र 6 माह की आज मृत हो गई थी, और उसी गांव में तेज राम की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसी दुखी परिवारों के साथ गांव के 15 व्यक्ति सुभाष के ट्रैक्टर में सवार थे। सुभाष शराब के नशे में था। शमशाबाद के ढाई घाट गंगा से वापस होते समय गांव समस्तीपुर चितार के पास ट्रैक्टर इतनी तेज था कि एक बाइक सवार को बचाने में ट्रैक्टर खाई में पलट गया और सवार सभी 15 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आनन फानन में घायलों को शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता, राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप।
फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर पुलिस टीम द्वारा चार शातिर अभियुक्तों को चोरी की दो मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस सहित व 1 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। क्षेत्र अधिकारी कमलेश कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है अवैध ड्रग माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को लेकर फिरोजाबाद SSP के निर्देशन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं थाना मक्खनपुर पुलिस के बिल्टीगढ़ अंडरपास पर चार अभियुक्त मोटरसाइकिल पर जाते हुए चेकिंग के दौरान पकड़े गए। पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने 20 दिन पूर्व में नोएडा से स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल को चोरी किया। मोटरसाइकिल से वारदात को अंजाम देते रहे, तभी मक्खनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चारों को पकड़ा गया। थाना मक्खनपुर पुलिस द्वारा बिल्टीगढ़ चौराहे पे चेकिंग की जा रही थी कल, तो उस समय जो है दो बाइकों पे चार व्यक्तियों को जब चेकिंग के दौरान पकड़ा गया तो उनके पास से लगभग 1 किलो के आसपास चरस मिला है, दो तमंचे मिले हैं जिनमें से एक जो है 315 बोर का है, एक 12 बोर का है, चार जिंदा कारतूस मिले हैं। और ये जो दोनों बाइकें हैं जिसपे ये लोग सवार थे, वो दोनों बाइकें जो है चोरी की बाइकें हैं। एक बाइक इसमें से जो है नोएडा से चोरी है और दूसरी बाइक जो है इसका चेसिस नंबर पता है, उसके बारे में अब पता किया जा रहा है। ठीक है, कितने समय से सर ये लोग काम कर रहे थे? ये इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास बहुत अच्छा है, 6-6 मुकदमे हैं इन लोगों पे। और इसमें से दो व्यक्ति जो हैं मनोज और अर्जुन, ये एटा कोतवाली देहात के हैं, और दो व्यक्ति बीटू और बबलू, ये कासगंज के रहने वाले हैं। सर, जो चरस मिली है उसकी मार्केट में क्या कीमत आकी जा रही है? अब देखिए, 1 किलो के आसपास जो है ये चरस है और इसकी कीमत जो होगी लाखों में होगी। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। बरेली में उत्तरायणी जन कल्याण समिति के संगठन मंत्री ने तत्कालीन महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष पर गबन का आरोप लगाते हुए सहायक रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटी एवं चिट्स के बरेली मंडल कार्यालय पर शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। समिति के संगठन मंत्री विनोद जोशी का कहना है कि तत्कालीन महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने समिति में कई घोटाले किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में विनोद जोशी ने समिति के रुपयों से 24,42,450 रुपये का भवन खरीदा था। खरीदे गए इस भवन का नाम उत्तरायणी भवन रखा गया। विनोद जोशी का कहना है कि यह रुपया समिति का था, मगर विनोद जोशी ने समिति के बजाय अपने नाम पर उस भवन को खरीदा और अब उस भवन को बेच देने की फिराक में है। विनोद का कहना है कि बगैर प्रस्ताव पास के पदाधिकारियों को अपने विश्वास में लेकर 25 लाख की FD तोड़कर इस भवन की खरीदारी की गई थी। जब देवेंद्र जोशी के नाम खरीदारी की बात निकलकर सामने आई तो समिति के लोगों ने एक राय होकर निर्णय लिया कि देवेंद्र जोशी को इस भवन को समिति के नाम कराना चाहिए। इस पर देवेंद्र जोशी को समिति के नाम भवन कराने के लिए कहा गया था, मगर 1 साल बीत जाने के बाद भी देवेंद्र जोशी ने समिति के नाम भवन का बैनामा नहीं कराया। इसके अलावा भी कई घोटाले के बारे में विनोद जोशी ने शिकायत की है। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें अब देवेंद्र जोशी से जान का खतरा है। हो सकता है इन बातों के उजागर होने के बाद देवेंद्र जोशी उनके खिलाफ कोई घातक कदम उठाएं। विनोद जोशी ने देवेंद्र जोशी और उनकी पत्नी, उनके बेटे व उनके अन्य सहयोगियों और रिश्तेदारों से अपनी जान के खतरे की बात कही है। वहीं इस मामले में देवेंद्र जोशी का कहना है कि उन्होंने कोई भी गबन नहीं किया है, उनके खिलाफ झूठी शिकायत की जा रही है। जिन विनोद जोशी ने इन शिकायतों को किया है वह उनके रिश्तेदार हैं और इनका पारिवारिक विवाद चल रहा है जिसको लेकर उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। भैया विनोद जोशी, भैया हमारा मामला हमारी समाज सेवी संस्था उत्तरायणी जन कल्याण समिति से जुड़ा हुआ है, जिसकी हम लगातार शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है वो बरेली का एक सफ़ेदपोश है, जिस जो कि मजबूत आदमी है, और हमारे समाज में कई FDAं टूटी, भवन उन्होंने अपने नाम करा लिया, देवेंद्र जोशी उनका नाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा वक्त में उपाध्यक्ष हैं। मुझे कई बार धमकियां दी गई हैं, 4 थानों की पुलिस और 2 LIU इंस्पेक्टर मेरे पीछे लगाए गए, लेकिन हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी शिकायत मैंने रजिस्ट्रार जी से करी थी कि साहब हमारे में FD टूटी गई, हमारे से पैसा हमारे गमन हुआ, तो रजिस्ट्रार ने हमारे मौजूदा जो महामंत्री हैं दिनेश पंजी से जवाब मांगा गया, तो दिनेश पंजी ने, ये आप देख सकते हैं,
मेरे हर जो मैंने आरोप लगाया था उस आरोप को माना है कि किस तरीके से हमारे समाज में लूट करी गई। ये पैसा गरीबों का है, कमजोरों का है, जिस पैसे पे हमारे समाज के कुछ लोगों ने डाका डाल रखा है। एक तो पीसी पाठक हैं, पीसी पाठक खुद अध्यक्ष रहे हैं, महासचिव रहे हैं, और जिस टाइम वो अध्यक्ष और महासचिव रहे थे उस टाइम उन्होंने अपनी ही पत्नी को की फर्म को लाखों रुपए का फ्लेक्सो का ठेका दे दिया। आप सोचिए, अध्यक्ष और महामंत्री जो अपने मौजूदा वक्त पर है वो अपनी पत्नी के फर्म को लाखों रुपए का ठेका दे देते हैं, देवेंद्र जोशी एफडी तोड़ देते हैं, एफडी तोड़ने के बाद वो माफीनामा मांगते हैं, चार पांच आदमी उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन ये पैसा गरीबों और कमजोरों का है। भैया कम से कम ये मान के चलना 26-27 लाख की एफडी टूटी है और हजारों रुपए ऐसे हैं जो कि अभी तक खाते में जमा नहीं हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महामंत्री उत्तरायणी जनकल्याण समिति के दिनेश पंजी ने हलफनामा में हमारे रजिस्ट्रार को दिया है। जे मैंने आज रजिस्ट्रार को अपना जवाब दे दिया है और मुझे पूरी यकीन है कि रजिस्ट्रार साहब इसमें कार्रवाई करेंगे। नहीं करेंगे तो मैं और ऊपर जाने को तैयार बैठा हूँ, क्योंकि मेरा जब भी वो मुझे देखता है वो अपनी पिस्टल पर हाथ फेरने लगते हैं और कई बार मुझे धमकियां मिल चुकी हैं और मेरी जान को भी खतरा है, क्योंकि मैं लाखों रुपए का जो हमारे समाज में मेले के नाम पर लूट करी गई है मैं उसका खुलासा कर रहा हूं और कागजों के साथ कर रहा हूं। जो कागज आप कहोगे वो कागज मैं आपको दे सकता हूं। देखिए, जो ये आरोप लगाया गया है पिछले 1.5-2 साल पहले लगाया गया था, समिति में इसके लिए लिखित शिकायत की गई थी जिसकी जांच समिति ने अपनी इंटरनल 5 लोगों की कमेटी से कराई थी, जिसमें सब निराधार पाई गई और किसी भी टाइप से किस टाइप का कोई भी घोटाला नहीं है। मेरे द्वारा भी रजिस्ट्रार से इस चीज़ की शिकायत की गई है कि इस कमेटी में जो इस टाइप का एक आचरण आया है, एक आरोप आया है, इसकी कमेटी की जांच पूर्ण रूप से की जाए जब से समिति रजिस्टर्ड है। लेकिन जो मैं इसके पीछे का तथ्य आपको जरूर बताना चाहूँगा, जो इसका आरोप है, आरोपी जो है वो रिश्तेदारी में लगता है मेरी साली का पति है, उस मेरी साली का इसका विवाद चल रहा है, पारिवारिक विवाद होने के कारण मैं उसमें गवाह हूँ और ये इस टाइम ये पूरी तरीके से कोर्ट में फंसा पड़ा है, इसकी पूरी फैमिली फंसी पड़ी है। इस वजह से दबाव बनाने के लिए ये सब कार्य कर रहा है, ये कृत्य कर रहा है, ये समिति को भी बदनाम कर रहा है, मुझे भी बदनाम कर रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पिछले लगभग 1.5-2 साल से ये मेरे खिलाफ फेसबुक से लाइव जाके कुछ ना कुछ कृत्य कर रहा है, चाहता है कि मैं इसे लड़ूं भिड़ूं, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि समाज की, मेरी और मेरे मिलने वालों की छवि पर कोई फर्क पड़े। ये व्यक्ति क्या नाम बोलते हैं, किसी टाइप का कोई कृत्य नहीं करता है, कोई कार्य नहीं करता है, सिर्फ इसका काम इतना है फेसबुक बाजी करके और एक छोटी सी लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये मुझे बदनाम कर रहा है। किसी भी टाइप का कोई गवर्न नहीं है, मैं पूरे शहर को आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे उन्होंने आज तक मुझ पर विश्वास किया है उन्हें विश्वास करना पड़ेगा कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मेरी वजह से कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रही बात विनोद जोशी की, तो विनोद जोशी इस वक्त पूरी तरीके से कानून के सिकंजे में फंसा हुआ है, वो और उसका पूरा परिवार। वो केवल उसकी छटपटाहट है मुझे विचलित करने के लिए, मुझ पर दबाव बनाने के लिए वो ये सब कृत्य कर रहा है। वो मेरे साथ ही नहीं कर रहा है, अपनी पत्नी और मेरी पत्नी के साथ भी डिपार्टमेंटल सूचना के अधिकार पर रिपोर्टें मांग के उन्हें भी विचलित कर रहा है, उन पर भी दबाव बना रहा है, किसी तरीके से भी उसका केस निपटे। लेकिन चूंकि हम नहीं निपटाएंगे क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया, अपनी पत्नी के साथ इतनी बदतमीजियाँ करी हैं उसने और हमारे साथ इतनी बदतमीजियाँ की हैं, जो कोर्ट का डिसीजन होगा हमें मान्य होगा, उसे सब्र करना चाहिए। यदि इस ऐसे प्लेटफॉर्म पर आके वो इस बातें करेगा तो गलत है, हम लोग डरने और विचलित होने वाले नहीं हैं। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। बरेली ऑल इंडिया आशा बहु सेवा संघ की जिलाध्यक्ष राम श्री गंगवार के नेतृत्व में आशाओं ने सीएमओ को दिया ज्ञापन। ऑल इंडिया आशा बहु सेवा संघ की जिला अध्यक्ष राम श्री गंगवार ने बताया, ब्लॉक फतेहगंज पश्चिमी में आशा एवं आशा संगिनी का पिछले वर्ष 2021 एवं 2022 का पेमेंट नहीं मिला है। ऐसा क्यों नहीं मिला इसके बारे में जानकारी मांगी और सभी आशाएं एवं आशा संगिनी बहुत परेशानी में भी जी जान से काम में लगी हुई हैं। बहेड़ी ब्लॉक में आशाओं का कोविड का पैसा 12,000 रुपए आया है। कोविड-19 का पैसा अभी तक नहीं मिला, इसको लेकर आशाओं ने सीएमओ ऑफिस में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। उसके बाद जिला अध्यक्ष रामश्री गंगवार उनके साथ में आई। आशाओं ने शिववती साहू को जिला अध्यक्ष बनने का विरोध किया, कहा बिना चुनाव के आशा शिववती साहू फर्जी जिला अध्यक्ष बनी हुई हैं। सभी ब्लॉकों से पैसा दिलवाने का आश्वासन देकर प्रत्येक आशाओं को गुमराह कर रही हैं। जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक जिला अध्यक्ष रामश्री गंगवार रहेंगी। ज्ञापन देने वालों में आशा बिमला गंगवार,
संतोष, चंद्रप्रभा, सावित्री देवी, नीरज सीता, ऊषा गंगवार आशा संगिनी, अनीता आशा संगिनी, शशि बाला सोमवती, राजबाला सोमवती, गुड़िया रानी आदि आशाएं और आशा संगिनी मौजूद रहीं। ऊषा गंगवार है और मैं फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक से हूँ और आशा संगिनी पद पे कार्य कर रही हूँ। हाँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी आशा बहने और मैं संगिनी और सभी संगिनी बहने जी जान से मेहनत से मतलब सरकार का कार्य सफल कर रही हैं, और लेकिन उनके मानदेय के नाम पे, हम लोगों के मानदेय के नाम पे कोई पैसा नहीं है। सन 2020 तक का 750 वाला जो रुपया अभी कुछ संगनी बहनों आशा बहनों का नहीं पड़ा है। वो तो उम्मीद है पड़े, शायद पड़ जाए, लेकिन ये 21 और 22 तक का पैसा कोई पैसा नहीं पड़ा है। इससे हमारे कार्य में, हम संगनी हम आशाओं से कार्य कराते हैं तो हमारी आशा बहनें बेचारी परेशान होती हैं और हमें शर्म आती है कि हम इनके पैसा मिल नहीं रहा है और इनसे हम कैसे कार्य कराएं। हमारे कार्य में बाधा आती है, हम 100% इनसे कैसे काम करा पाएं और हमारी काम की क्वालिटी भी गिरती है। अगर इनका पेमेंट नहीं होगा तब ये जो है कैसे मतलब जो कार्य कर पाएंगी। 5 महीने से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक का भुगतान अभी तक इनका मंथली मानदेय जो हम लोगों का है और आशाओं का है और वो कार्य वो भी कोई पैसा नहीं पड़ा है। और जो जो आशा बहन जी सिब्बती साहू हैं वो जो हैं जिलाध्यक्ष बन गई हैं और हमारी रामधनी बहन जी जिलाध्यक्ष पहले की हैं और वो जिलाध्यक्ष बनकर और जब चुनाव नहीं हुआ आशाओं का कोई सहमति नहीं मिली उन्हें तो उनका मतलब जो जिलाध्यक्ष वो कैसे बन गई हैं और जिलाध्यक्ष बन के फिर आशाओं से ब्लॉकों में जाके मीटिंग करती हैं और मीटिंग करके उन्हें भड़काती हैं, हम तुम्हारा पैसा डलवा देंगे, लखनऊ चलना, दिल्ली चलना और 50 रुपये दो, ये दो, वो दो। हमारा ये सभी आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि ये जिलाध्यक्ष बाजी इनका जो है निष्पक्ष मतलब फैसला किया जाए। मेरा नाम रामश्री गंगवार, आशा यूनियन जिला अध्यक्ष जिला बरेली। मामला सबसे पहले ये है कि हमारी आशा बहनें 1 साल से इन बहनों को कुछ अस्पतालों में जैसे बहेड़ी अभी तक कोविड का कोई पैसा नहीं गया है, अन्य ब्लाकों में भी नहीं पहुंचा है। और जो हमारी बहनें बहुत दिनों से कार्य तो कर रही हैं, सरकार हमसे कार्य तो ले रही है मगर पैसे की बात क्यों नहीं कर रही हैं। जब भी हम आते हैं माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास तो हमें 10 दिन का 8 दिन का आगे को बता देते हैं कि आ जाएगा, और अभी भी हम आए हैं तो इन्होंने कहा था कि आपका बजट आ गया है, पैसे पहुंच जाएंगे, 2 हफ्ते बाद पहुंच जाएंगे। मगर सर जी, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं, हमारे 2 हफ्ते बाद क्यों पहुँच जाएंगे जब पैसे आए हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने डाले तो हमारे पैसे भेजें आशाओं से, आशाओं का पैसा भेजते रहें और आशाओं से काम लेते रहें। काम करने को कोई बहन भी मना नहीं कर रही है और आशा के बिना, संगनी बहन के बिना कोई काम होगा नहीं, ये आप देख लीजिए। और दूसरी बात ये है, आज हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी के यहाँ आए हैं कि हमारी एक शिववती बहन जी बिना चुनाव के और बिना कार्य करे, बिना आशाओं के चुनाव के, ये जिलाध्यक्ष कैसे बन गई? हर ब्लॉक में जाती हैं और हर जगह स्पेशल एक मीटिंग करती हैं, बैठक करती हैं, 2-3 लोग जाके ये आशाओं के साथ में इतना धोखेबाजी कर रही हैं और फर्जी जिलाध्यक्ष बनकर पैसों की उगाही कर रही हैं। इसलिए मैं इस बात के लिए और कहने आई हूँ और मुख्यमंत्री जी तक से मैं ये शिकायत करूँगी कि जब तक मुख्यमंत्री जी आपका विधायक बन के नहीं गया तो आप कैसे बने थे? चुनाव होना चाहिए, चुनाव के बाद में जो बने तो इस बात के लिए बहुत अच्छा होगा। और मेरी जो आशा बहनें और संगनी बहनें जो आई हुई हैं, सर जी इनसे भी सुन लीजिए आप। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बरेली उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस पश्चिमी, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस पश्चिमी की मासिक बैठक और यूथ इंडिया कार्यक्रम
प्रवक्ताओं की खोज आज होटल रोहिला निकट कंपनी गार्डन चौराहा पर हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस पश्चिमी के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव उपस्थित रहे। दो सत्रों में चल रहे कार्यक्रम में सभी को दो दो मिनट का एक टॉपिक दिया गया था और उस पर उपस्थित यूथ को बोलना था। पहले सत्र में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस पश्चिमी के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव ने कहा कि वर्तमान समय में आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की है। जिस तरह से भाजपा इतिहास को बदलना चाह रही है, उसको रोकने के लिए देश के युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा केंद्र की इसी भाजपा मोदी सरकार ने युवाओं को ठगा। चुनावों से पूर्व युवाओं को सपने दिखाए गए कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरह से भाजपा के नेताओं के बयान आना शुरू हुए कि ठेला लगाओ, पकौड़े तलाओ, चाय बेचो, उससे युवाओं के अंदर हताशा और निराशा पैदा हुई। तेज आंधी और हवाओं के रुख को युवा ही पलटता है और इस केंद्र की भाजपा सरकार को भी युवा ही बदलेगा। भोजन के बाद दूसरे सत्र में उपस्थित युवाओं को दो दो मिनट के लिए बोलने के लिए टॉपिक दिया गया और उनकी मार्किंग की गई। उनको ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से आगे चलकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इस जन विरोधी भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना है। कार्यक्रम के बीच में ही प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उपस्थित सम्मानित समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी माहिन खान एवं हेवरन कसाना ने कहा कि आज केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। आगामी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की हल्ला बोल महारैली है, जिसमें महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। यह सरकार महंगाई कम करने का नाम नहीं ले रही है। इसी जानना चाहेंगे किस उपलक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या प्रोग्राम आपका? देखिए, सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हुए आपको अवगत कराता हूं कि 4 तारीख को दिल्ली रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, और महंगाई के खिलाफ इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, और महंगाई कम करने का नाम नहीं ले रही है ये सरकार। और सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं की पुरानी जो स्पीच चल रही है कि ये सरकार महंगाई का मैं बोलने को तैयार नहीं है, निश्चित तौर पे आज वो हालात जो नरेंद्र मोदी जी ने पहले बोले थे वो सामने आ गए हैं। और मोदी जी अभी पीछे भी जो 15 अगस्त का कार्यक्रम था, उसमें एक शब्द उन्होंने महंगाई पे नहीं बोला, बेरोजगारी पे नहीं बोला, और देश परेशान है, देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है, हर तरफ महंगाई की मार है, लोग परेशान हैं, कमाई खत्म हो गई है, और कहीं से कहीं तक बिल्कुल कहीं पर आम आदमी को राहत लेने का नाम नहीं है। और हम इसी उपलक्ष में इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली का आयोजन कर रहे हैं 4 तारीख में। उसी की जो तैयारी को लेकर के आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक यहां पर हुई है, युवा कांग्रेस के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण और हमारे राष्ट्रीय सचिव हेवरन कंसाना जी और माहिन जी आए हुए हैं यहाँ पर समीक्षा बैठक में। और 4 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रदेश से युवा कांग्रेस के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके पहुँचेंगे। ये सर अच्छी बात है कि ज़मीनी मुद्दों को उठाया जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जनता जो कि दिखाई नहीं दे रही है। आपने बहुत पहले भी काफ़ी कोशिशें की हैं, बड़े अच्छे मुद्दे भी, महंगाई है, बेरोजगारी है, आम इंसान के मुद्दे भी होते हैं, लेकिन जनता का जो जवाब है वो नज़र नहीं आता है, उसको लेकर किस तरह की आपकी? देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो सत्ता की या कुर्सी हत्याने की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है इस देश को बचाने की। देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं आज चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे देश की सुरक्षित सीमा नहीं है आज, चाहे सीमाओं की बात हो, और चाहे हमारे देश में
बेरोजगारी के दलदल में धंसते जो हमारे युवा दम तोड़ रहे हैं उनकी बात हो। हर तरफ मारामार है, हर तरफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे हम लोग सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और आज जनता जागरूक हो चुकी है। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं, नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता: रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। यूपी के बरेली में विकास प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे ध्वस्तीकरण अभियान के अंतर्गत भी ग्रीन बेल्ट में निर्मित अवैध ढाबों के विरुद्ध की गई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। कमल जगवानी आदि द्वारा बड़ा बाईपास बरेली पर द वीकेंड नाम से ग्रीन बेल्ट में संचालित अवैध ढाबे का निर्माण किया गया था, जिसमें निर्माणकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरांत भी निर्माणकर्ता द्वारा अपने अवैध ढाबे को स्वयं नहीं हटाए जाने पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। बड़ा बाईपास बरेली पर पंजाब हिमाचल नाम से ग्रीन बेल्ट में संचालित अवैध ढाबे का निर्माण कार्य किया गया था, जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही संपादित की गई। बड़ा बाईपास बरेली पर प्रधान फैमिली ढाबा नाम से ग्रीन बेल्ट में संचालित अवैध ढाबे का निर्माण कार्य किया गया था, जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही संपादित की गई। मेरा नाम निखिल निशाद है। मामला ये कि जो हमारे यहाँ के प्रधान हैं जाकिर हुसैन, तो जिसे हमारे यहाँ के हमारे चाचू उठे थे हकीम आहिद हुसैन प्रधानी में, तो हमने अपनी तरफ से उनको लड़ाया था। तब इन लोगों की ये थी कि ये लोग हमें वोट देते, सर ये हमारा वोट है, हमारा मन है, हमारा अधिकार है। सरकार ने जब हमें यहाँ पर दुनिया में रहने के लिए जब खुदा ने उतारा है, तो हमें अपना नियम खुद ही निकलना है ना। हमने उनको वोट दिया, ठीक है। अब इन लोगों का मतलब है कि वोट हमें देते, सर ये फिर भी जीत गए। अब इन लोगों की ये रंजिश है कि ये लोग हमको हमारे भाई को जीने नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ भी होता है गांव में तो ये लोग हमारे भाई को ही घेरते हैं सबसे पहले। अब जैसे कि अभी 3 दिन पहले हमारे यहाँ से मोहल्ले में से गाड़ियाँ टूटी थी, चोरी हुई थी, ठीक। अब वो चोरी हुई तो उन लोगों ने कहा है, किसी ने मोहल्ले में से बताया कि हमारे भाई ने गाड़ी चुराई है। अब इस बात की शिकायत करी थी, सुनिए हमारी कार्रवाई कुछ हुई नहीं है सर, कुछ नहीं हुआ हमारे। अब ये हुआ है, कल रात हमारे घर में हमारे भाई कल काम करके आया, खाना पीना खाया, दवा खाकर उनकी 3 महीने से चल रहा इलाज चल रहा है। उन लोगों ने खाना खाया, भाई ने हमारे अबू जाकर छत पे लेट गए। अब कल कुछ पुलिस वाले आए थे, और सनम क्या जो नजर आई थी कि गाड़ी उठी थी वो, और आसिफ प्रधान मतलब जाकिर प्रधान का भाई जो इस टाइम ज़्यादा बोल रहा है, आमिर और आमिर, वो उन लोगों ने हमें धमकी दी है कि आपके भाई को तो हमने अरेस्ट करवा दिया है, लेकिन अब हम तुम लोगों को जीने नहीं देंगे, गोली मार दे देंगे तुम लोग। ये लोग हैं हमारे जाकिर प्रधान है, उनके छोटे भाई आमिर प्रधान, और एक है जाकिर, सबसे बड़ा है जो जाकिर प्रधान है, उसका भाई आदम, और सबसे छोटा है आमिर, और जिसकी गाड़ी चुरी है वो है नजर। ड्रग्स के काम होते हैं ये लोग, जो रेहाना है जो अभी स्टैम्प पकड़ी गई थी उनकी, ये दामाद है जाकिर हुसैन, और ये लोग सरासर सब लोग हमारे लोगों के साथ साजिश कर रहे हैं हम लोगों के खिलाफ, और ये हम लोगों को जीने नहीं देना। हम ये चाह रहे हैं कि हमें सुकून से जीने के दें, पर हमें और कुछ नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ एक रईस मियाँ नाम की बैठक है, मतलब वहाँ पे ये लोग आते हैं, बिस्कोटे बनाते हैं, और यहाँ से मोहल्ले में से अगर लड़कियाँ निकल के जाती हैं तो गाने बजाते हैं, छेड़खानी करते हैं और गालियाँ देते हैं, और उनके 2 नंबर का काम भी होता है सर। ये मोहनपुर का मामला है सर, आप चाहे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता: राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप।
बरेली की थाना कैंट क्षेत्र से दो बच्चों के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जांच से ज्ञात हुआ कि दोनों बच्चों की मां इनको अपने साथ लेकर गई है। दोनों पति पत्नी के बीच काफी समय से वैवाहिक विवाद चल रहा है। बच्चों के पिता ने अपनी पत्नी के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय में तलाक का मुकदमा दर्ज कर रखा है, जिसमें अगली तारीख 6 सितंबर 2022 नियत है। दोनों के 3 बच्चे हैं। बच्चों की मां अपनी सबसे बड़ी बच्ची के साथ संपर्क में थी और उसको बताकर गई है, मैं दोनों भाई बहन को साथ लेकर जा रही हूं। वीडियो फुटेज और महिला के भाई जितेंद्र से पूछताछ से भी यह स्पष्ट हुआ कि दोनों बच्चों की मां अपने भाई जितेंद्र के साथ भी संपर्क में थी और उनको बताकर दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर गई है। प्रकरण में अग्रिम जांच कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 1 सितंबर 2022 को थाना क्षेत्र कैंट से दो बच्चों के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर की गई जांच से ज्ञात हुआ कि दोनों बच्चों की मां इनको अपने साथ लेके गई है। दोनों पति पत्नी में काफी समय से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। इन दोनों के 3 बच्चे हैं। माँ अपनी सबसे बड़ी वाली बच्ची के साथ संपर्क में थी और उसको बताती गई है कि मैं तुम दोनों और तुम्हारे दोनों छोटे भाई बहन को अपने साथ लेके जा रही हूँ। CCTV की चेकिंग से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि माँ उनको अपने साथ लेके गई है। इस मामले में जांच करवाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी। अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।